हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम एक नया चैप्टर क्लास 11 बायोलॉजी का। सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में तो वी नो दैट वेरी वेल। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर वी हैव मोर देन 30 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों, हमारी अर्थ के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, 30 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों अर्थ के ऊपर जो है, और इस 30 मिलियन में से वी हैव ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1.7 to 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज, मतलब कि जिनके बारे में हमारे को पता है। देखो, पता तो हमें बाकियों के बारे में भी है, ठीक है जी, लेकिन सिर्फ ये पता है इनके बारे में कि लिविंग है। बाकी 1.7 टू 1.8 मिलियन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आइडेंटिफाई कर चुके, और हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना है, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा उसी बेसिस पे आप उन्हें जो है यूज़ कर पाओगे, नहीं तो मिसयूज़ हो जाएगा। ठीक, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज है, बाकियों के बारे में ये तो पता है वो लिविंग है, बट ये नहीं पता वो प्लांट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ हाइड्रा के बारे में, हम सिक्स क्लास से सेवन्थ क्लास से हाइड्रा के बारे में पढ़ते आ गए, तो हाइड्रा क्या चीज़ होती है बच्चों, प्लांट है, एनिमल है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या चीज़ है, ठीक है जी। अब हाइड्रा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हाइड्रा इज एन एक्वेटिक एनिमल बच्चों, हाइड्रा हमारे पास यहाँ पर एक एक्वेटिक एनिमल होता है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज, और हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है, बट इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रख पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन आपने बायोलॉजी ली है तो बच्चों इन्हें याद तो करना ही पड़ेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमें ज़रूरत महसूस होती है किस चीज़ की, क्लासिफिकेशन की। हमने यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन किया, वी नीड टू क्लासीफाई देम। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए वी नीड टू क्लासीफाई देम बच्चों, हम इनको यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे। और क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने लेवल पे जो है इन सारी लाइफ को क्लासीफाई किया, कैटेगराइज किया। जैसे कि हमारे पास आते हैं कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस ने क्या किया, जितनी भी लाइफ थी दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया। इन्होंने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स, सिर्फ दो ही तरीके की लाइफ होती। तो बेसिकली ही प्रपोज्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने यहाँ पर दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। अच्छा, इसी समय हमारे पास हम लोग क्या, जैसे अरिस्टोटल थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ था। इन्होंने बोला प्लांट्स तीन तरीके के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, और एनिमल्स दो तरीके के होते हैं, एक वो जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है और एक वो जिनके अंदर कोई भी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती बच्चों। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनका जिक्र इसमें नहीं था, वायरस का जिक्र इसमें नहीं था, एक्वेटिक प्लांट्स का इसमें जिक्र नहीं था। तो सिस्टम हमारे पास कार्लोस लिनियस का भी रिजल्ट हो गया था, अरिस्टोटल का भी रिजल्ट हो गया था, और भी बहुत सारे लोग आए थे अपने अपने लेवल पे जिन्होंने लाइफ को यहाँ पर क्लासिफाई किया, लेकिन हमारे पास, ठीक है जी, देन सबसे लास्ट में आए थे मिस्टर आर एच विटेकर बच्चों, आर एच विटेकर, जिन्होंने बेसिकली प्रपोज करा था हमारे पास यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने बोला कि लाइफ जो होती है वो 5 तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है मोनेरा, फिर है हमारे पास यहाँ पर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बच्चों। लाइफ 5 तरीके की है, लेकिन उन क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो हमने देखा ऑर्गेनिजम्स के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ या कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज़ जिस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। लेकिन क्लासिफिकेशन जब हम लोग करने लगे तो हमें सबसे पहले ज़रूरत महसूस हुई बच्चों किस चीज़ की, आइडेंटिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ। भाई जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी तो हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे।
जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट है, एनिमल है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, बाईपेडल है, टेट्रापेडल है, ठीक। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी भाई। मान लीजिए आपको आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो और कहते हैं जी एक पेन किलर दे दीजिए, एक दवाई दे दीजिए दर्द की, और आपको डॉक्टर दे देता है, वो मेडिकल वाला दे देता है जो सेरिडोन। अब सेरिडोन सरदर्द की गोली है लेकिन आपके पेट में दर्द है, तो आपने दर्द की गोली तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो गई जो आप इजीली उसको क्लासीफाई नहीं कर पाए। सो वी नीड टू गिव नेम देम, हमें यहाँ पर उसका नाम रखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली जाकर के बोलते हैं मुझे सेरिडोन चाहिए, डिस्प्रिन चाहिए, या ब्रूफिन चाहिए, मैफ्टाल चाहिए, पेन किलर है सब, है ना, मैफ्टाल जो है प्रॉपर पेन किलर होती है मैफ्टाल इस्पास, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के बाद भी क्लासिफिकेशन के इश्यूज़ थे। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया बच्चों, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने नोमेनक्लेचर की ज़रूरत महसूस हुई, तो हमने यहाँ पर क्या करा, अब ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा, हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया बच्चों। जब हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया तो नोमेनक्लेचर में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, चलने दे बंद, ठीक है जी, हम यहाँ पर देखते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में जब बात करते हैं तो हमने ऑर्गेनिजम्स के नाम रखने स्टार्ट कर दिए बच्चों, ठीक, नोमेनक्लेचर किया। अब हमने सोचा कि नाम ऐसा रखो जो किसी से मैच ही ना होता हो, ठीक है जी भाई। जैसे अब हम यहाँ बर्तन बोल देते हैं, है ना, आप लोगों ने किचन यूटेंसिल्स बोल दिया, भांडे कासन ये बोल दिया, तो कॉमन लैंग्वेज में इन वर्ड्स का यूज़ होता है। अब आपको नहीं पता भैया भांडे कासन किसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कुत्ते के बारे में, हम उसको कुत्ता बोलते हैं, कोई उसको डॉग बोलता है, ठीक है, कश्मीर में उसको लियाड़ बोला जाता है, राजस्थान हरियाणा साइड में उसको लाड़ बोलते हैं, ठीक है जी, और कहीं कहीं पर उसको भोकुर बोलते हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग नाम है और आपको पता ही नहीं किसका क्या नाम है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाम तो रख दिए लेकिन एक ऐसा नाम रखो जो यूनिक नाम हो जिससे वो हर जगह जाना जाए, एक साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए यहाँ पर बच्चों आया एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। क्या नाम आया, पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बच्चों। अब एक बंदे का नाम रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर जो है गाजी तैमूर लंग तुरक अली खान, सोचिए। अब ये छह नामों वाला सिस्टम रख दिया पॉलीनोमियल में, क्या किया गया, सिक्स नेमिंग सिस्टम। तो नाम रख दिया गया बच्चों गाजी तैमूर लंग तुरक अली खान, सुना आपने इसका नाम कभी, बहुत बड़ा बदमाश रह चुका है, ठीक है जी, तैमूर। तो गाजी तैमूर लंग तुरक अली खान छः नाम वाला सिस्टम है। सोचो अगर इस तरीके से नाम, पक्की बात है नाम किसी से मैच ही नहीं होने का, अपने आप में यूनिक नेम है। लेकिन हम ये सिस्टम क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का, चीज़ों को ईजी करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, ना कि मुश्किल करने के लिए। क्लास में ऐसे पाँच छः बच्चे हो जाए मैडम तो अटेंडेंस ही लेती रह जाएगी, हम पढ़ाएंगे कब, क्यों भाई, इतने बड़े बड़े नाम अगर बोल के अटेंडेंस लेंगे तो अटेंडेंस ही होगी, फिर क्लास में पढ़ाई थोड़ी होगी जो। तो ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया क्योंकि हम चीज़ों को ईजी करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे। देन उसके बाद में आया बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, तीन नामों वाला सिस्टम, देयर इज अ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बट ये भी अपने आप में एक बड़ा नाम था, ये जो सिस्टम था बच्चों हमारे पास ये भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में हमारे पास आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। देखो जब मैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में एक्चुअल में सबसे पहले जो है किसने बताया था, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसके बारे में बताया था गैस्पर्ड बोहिन ने। इन्होंने बोला कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है यूज करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या थी, इन्होंने सिर्फ बोला कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज करेंगे लेकिन इन्होंने कभी जिंदगी में यूज नहीं किया। सबसे पहले साइंटिफिकली मेथड के अकॉर्डिंग जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम यूज किया था वो यूज किया था कार्लोस लिनियस ने। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, अगर ऑप्शन में गैस्पर्ड बोहिन है तो आपको उसी को टिक करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम सबसे पहले साइंटिफिकली, या किसने सबसे पहले यूज किया था, तो आंसर होगा कार्लोस लिनियस बच्चों, ठीक। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम साइंटिफिकली प्रपोज या फिर
प्रपोज देन एंड यूज्ड बाय, प्रपोज किया और यूज किया किसने? द आंसर इज कैरलॉस लीनियस। तो इन्होंने कुछ बुक्स पब्लिश करी थी अपनी, जैसे सिस्टेमा नेचुरे और भी कुछ बुक्स, जहाँ पर इन्होंने जो है इन नोमेनक्लेचर का जिक्र किया था और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को यूज़ किया। तो उन्होंने बोला किसी भी चीज़ का हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दो नामों वाला सिस्टम होता है बच्चों हमारे पास। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन्स का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है हमारा? होमो सेपियंस। बिल्कुल सही बात है, दिस इज द होमो सेपियंस। अब ये फर्स्ट नेम होता है, ये सेकेंड नेम बच्चों, दिस इज द फर्स्ट नेम। ये मेरे पास सेकेंड नेम। अब फर्स्ट नेम को ही हम लोग यहां पर बोलते हैं जीनस या फिर जेनेरिक नेम, और दूसरा नाम जो होता है हमारे पास वो होता है स्पीशीज, जिसको मैं बोलता हूं बच्चे यहां पर स्पेसिफिक एपिथेट। तो किसी भी चीज़ का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो दो नामों से मिलकर के बना है, जीनस से और स्पीशीज से, यानी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, इन दो नामों से मिलकर बना है। जैसे हमारा बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियन, तो ये हमारा जीनस है, ये हमारी स्पीशीज है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है बच्चों इसके बारे में। तो इसी तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आया। अच्छा, तो जीनस और स्पीशीज अलग अलग होते हैं, और हम लोग क्या देखते हैं, स्पीशीज बेसिकली इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी बात याद रखना। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है बच्चों, हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, जब ये नोमेनक्लेचर सिस्टम आया था उससे पहले जितने भी नोमेनक्लेचर थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो लेकिन कुछ कुछ ऐसी हमारे पास लाइफ थी, ऑर्गेनिज्म थे, जिनका जीनस भी सेम था और स्पीशी भी सेम थी, जीनस और स्पीशी उनके दोनों के सेम थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उन नामों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ कुछ नाम आज भी है नोमेनक्लेचर ऐसे है जिसमें जीनस और स्पीशी दोनों सेम है, वो आज भी ऐसे ही चलते हैं। जैसे कि अगर अगर, ये एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जिसको हम एल्गी से डिराइव करते हैं, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में बच्चों हम इसके बारे में बात करेंगे, और इसको हम टिश्यू कल्चर वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ठीक। कुछ इंडियन एनिमल्स थे जिनके नाम में जीनस और स्पीशी दोनों सेम थे, तो उनका नोमेनक्लेचर यही रहा। बाकी पूरी धरती पर जहाँ पर भी नोमेनक्लेचर था जिनका जीनस स्पीशी सेम थे, वो सारे रिजेक्ट कर दिए गए, दोबारा से नोमेनक्लेचर हुआ उनका। लेकिन कुछ इंडियन एनिमल्स के नाम, जैसे कि जो कोबरा स्नेक होता है उसका नाम होता है नाजा नाजा, वो नाम वही चल रहा है, रेटस रेटस ये नाम यही चल रहे हैं। तो कुछ नोमेनक्लेचर ऐसे हैं जिनका जीनस और स्पीशी दोनों हमारे पास कैसी है बच्चों, दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पर सेम है और वही नाम अभी भी चल रही है, अदरवाइज सबका जीनस और स्पीशीज अलग अलग होती है, ठीक। तो हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर दिया। अब जब नोमेनक्लेचर हम लोगों ने कर दिया, अब हम उनको यहाँ पर क्लासीफाई करें, अरेंज करने लगे। तो हमने यहाँ पर इनको क्लासीफाई किया, अरेंज किया बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा के अंदर। टैक्सा का मतलब क्या होता है? टैक्सा का मतलब होता है यहाँ पर कन्वीनियंट कैटेगरी बच्चों। टैक्सा मतलब समझिए, बहुत सिंपल मैं आपको वर्डिंग से बता रहा हूँ, दिस इज द कन्वीनियंट कैटेगरी। कन्वीनियंट कैटेगरी मतलब सहूलियत के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जैसे डॉग क्या है, डॉग इज ए मैमल, मैमल इज ए एनिमल। तो कैटेगरी, डॉग को मैमल्स में रखा, मैमल्स को एनिमल्स में रखा, तो ये एक एक तरीके से अरेंजमेंट हो गया टैक्सा के अंदर। तो टैक्सा मतलब कि कन्वीनियंट कैटेगरी। तो हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा के अंदर अरेंज किया, कैटेगरी के अंदर बच्चों यहाँ पर। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा होते हैं, और इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इन डिफरेंट टैक्सा के अंदर अरेंजमेंट हमारे पास टैक्सोनॉमी कहलाता है। द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सा इज टर्म्ड एज टैक्सोनॉमी बच्चों। और इनकी ना एक सीक्वेंस होती है, उसी सीक्वेंस को यहां पर बोला जाता है टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की, जैसे सबसे पहले हमारे पास बच्चों देखो स्पीशीज है, फिर हमारे पास जीनस आ जाता है यहाँ पर जो है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, देन फाइलम या डिवीज़न दोनों होते हैं। प्लांट्स में हम लोग डिवीज़न यूज़ करते हैं, एनिमल्स में फाइलम, और देन आता है हमारे पास बच्चों यहाँ पर किंगडम।
अब मैं इनको यहाँ पर अरेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से टैक्सोनॉमी हायरार्की हमारे पास यहाँ पर बच्चों बनी है। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखो सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर इधर में स्पीशीज, और स्पीशीज के बाद आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर जीनस, और देन जीनस के बाद हमारे पास फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और फिर है बच्चों हमारे पास यहाँ पर फाइलम और डिवीजन, या तो फाइलम या डिवीजन, और देन आ जाता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर किंगडम। अब आप ये बताइए, देखो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा है, और इन टैक्सा जो यानी कन्वीनियंट कैटेगरी है इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है ना, तो क्लासिफिकेशन, और इसी को हमने बोला यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की मतलब कि असेंडिंग रैंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सा इन अ सिस्टमिक वे, गॉट इट। चलिए अब जैसा कि मैंने बताया कि स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों, स्पीशीज यहाँ पर क्या है बच्चे, स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है हमारे पास, सबसे पहले हम यहीं से कैटेगराइज करते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप बताएंगे जरा, क्या आप में और कुत्ते में कोई डिफरेंस है, यस और नो? आप कह रहे यस डिफरेंस है, आप बताओ बच्चे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कुछ को डिफरेंस है कुछ कुछ सेम है, सोचना पड़ रहा है ना, तो मैं और कुत्ते में कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है यानी इसका मतलब है। चलिए वो भी एनिमल्स में आते हैं, हम भी एनिमल्स में आते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखो अगर हम यहाँ पर इनके बारे में बात करें ह्यूमंस में और कुत्ते में, आप देख करके बहुत ईजिली पहचान जाएंगे कि ये इंसान है और ये कुत्ता है। भाई घर वाले प्यार से बोल देते कुत्ते कहाँ था तू अभी तक, पापा ट्यूशन में था भी आए हो, लेकिन है तो हम इंसान ही, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं हमारे अंदर और कुत्ते के अंदर, तो हमारी स्पीशीज़ में हमारी स्पीशी और कुत्ते की स्पीशी दोनों बिल्कुल अलग अलग है, यानी स्पीशी लेवल पर हमारे अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। ये एक पिरामिड बन गया इन्वर्टेड, हम देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, याद रखना बच्चों फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो हम लोग क्या देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज, यहां पर सिमिलैरिटीज क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है एट मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर। मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर यानी इजीली देख करके बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये इंसान है, ये ह्यूमन बींग है, और ये जानवर है, डॉग है, कुत्ता है, जो भी। ठीक, तो सिमिलैरिटीज क्या हो रही है बच्चों, यहां पर डिक्रीज हो रही है हमारे पास जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, बट कैसे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब नीचे से ही ऊपर की तरफ जाते हैं इस हायरार्की के अंदर, तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज भी तो हो रही है, सिमिलैरिटीज इंक्रीज एट टैक्सोन लेवल पर। टैक्सोन लेवल पर देखा जाए तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज हो रही है बच्चों। अब टैक्सोन लेवल पर सिमिलैरिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखो कि हमारा और कुत्ते का दोनों का जो किंगडम है बच्चों वो कैसा है, एनिमिलिया। यानी अगर हम देखें नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहे तो किंगडम लेवल टैक्सोन लेवल पे हमारे बीच में सिमिलैरिटीज बढ़ गई, हम एक ही टैक्सा में, हम किंगडम के अंदर आते हैं, एक ही किंगडम में काउंट होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल बहुत डिफरेंसेस है हमारे पास, देख करके बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है बच्चों। ठीक है जी, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं स्पीशीज के बारे में बात करता हूँ, बिल्कुल यूनिक नोमेनक्लेचर होता है हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैंगो के बारे में, तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम में है मेरे पास मैंगीफेरा इंडिका बच्चों। ठीक, मैं बात करता हूँ यहाँ पर पोटैटो की, पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो है मेरे पास यहाँ पर सोलनम ट्यूबरोसम। ठीक, बिल्कुल सही बात है। क्या इन दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटी है किसी तरह? कोई सिमिलैरिटी नहीं है सर, वो तो होगी भी नहीं, आपने एक फ्रूट लिया एक सब्जी लिया। चलो भाई एक काम करते हैं, हम पी प्लांट ले लेते हैं। पी का बायोलॉजिकल नेम बताइए आप लोग। पाइसम से टाइप, हम आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों 10th क्लास में, दिस इज द पाइसम सटाइवा। आप देखो आलू मटर की सब्जी तो बनती है भाई, खाई होगी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसकी स्पीशीज और इसकी स्पीशीज में कोई सिमिलैरिटी है?
कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तीनों की स्पीशीज बिल्कुल अलग है, यानी हर एक की स्पीशीज अलग अलग होती है, यानी स्पीशी लेवल पर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, इसीलिए स्पीशीज को यहाँ पर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया। लेकिन जब हम इससे ऊपर के लेवल पर जाते हैं, यानी कि मैं बात करता हूँ बच्चों जीनस लेवल पर जाता हूँ, ये बात चल रही थी यहाँ पर स्पीशीज लेवल पर, जीनस लेवल पर हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज बढ़ जाती है टैक्सोन लेवल पर, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर तो डिक्रीज हो रही है जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट सॉरी टैक्सोन लेवल पर सिमिलैरिटीज उनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रही है टैक्सोन लेवल पर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं टैक्सोन लेवल पर, देखो ये चीज़ें किस तरीके से हो रही है। जीनस क्या है बेसिकली, इट इज द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक। अब यहाँ पर देखो जीनस में क्या चीज़ आ जाती है, जैसे मैं बात करता हूँ टोमेटो, तो टोमेटो का बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो है मेरे पास इधर में सोलनम लाइकोपर्सिकम। देखो जी, और पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम मैंने अभी आपको क्या बताया यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, सोलनम ट्यूबरोसम। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्रिंजल, तो बैंगन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है सोलनम मिलोंजेला, सोलनम मिलोंजेला। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मकोई का प्लांट होता है बच्चों, उसका जो नाम है यहाँ पर सोलनम नाइग्रम। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्पीशी लेवल पर देखो चारों के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, और जीनस लेवल पे हम देखते हैं इनके बीच में सिमिलैरिटीज बढ़ गई, यानी कि जब टैक्सोन लेवल पर जा रहा हो तो सबका टैक्सा सेम है, सबका जीनस सेम है हमारे पास, बट मॉर्फोलॉजिकली तो डिफरेंस है। आलू कितना गोरा, बैंगन कितना बैंगन, बताओ बैंगन सब्जियों का राजा है, ठीक है जी, आलू ही बना देते इससे अच्छा जो। तो बैंगन हमारे पास देख करके कन्फ्यूज तो नहीं होगा कौन बैंगन है कौन आलू है फिर, तो यानी जीनस लेवल पे सिमिलैरिटीज बढ़ गए टैक्सोन लेवल पे यानी, बट मॉर्फोलॉजिकली डिक्रीज हो रही है बच्चों। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं जीनस से आगे, तो हमारे पास अब आ जाती है बच्चों फैमिली। आप देखिए इसी में एक एग्जांपल हो रहा है हमारे पास, जैसे अगर मैं बात करता हूँ लॉयन, तो लॉयन का बायोलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा लियो, टाइगर का बायोलॉजिकल नेम होता है यहाँ पर पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है जी, और हमारे पास लेपर्ड, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है बच्चों यहाँ पर पैंथेरा पार्डस, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है बच्चों, दीज आर द बायोलॉजिकल नेम, ये हमारे पास इधर में बायोलॉजिकल नेम है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये हमारे पास इधर में इनके बायोलॉजिकल नेम है बच्चों, ठीक है, लॉयन है टाइगर है हमारे पास यहाँ पर जो है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं इनके बारे में, तो इनके बीच में भी बच्चों यहाँ पर देखो स्पीशीज सबकी अलग है बट यहाँ पर जीनस सबका सेम है। अब आपने कहावत सुनी होगी क्या, कैट, कि बिल्ली जो होती है वो शेर की मौसी होती है, यानी उसकी फैमिली मेम्बर है, जबकि कैट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है बच्चों, देयर इज अ फेलिस कैटस। ना तो स्पीशी लेवल पे कोई सिमिलैरिटी, ना जीनस लेवल पे कोई सिमिलैरिटी, लेकिन जब मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, फैमिली के, तो इन्हीं को देखो, इनको भी लॉयन को टाइगर को लेपर्ड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, दे आर आल्सो टर्म्ड एज बिग कैट्स, इन्हीं को हम यहाँ पर बिग कैट्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी फैमिली की, तो इन सब की जो फैमिली है बच्चों वो सेम है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, दिस इज द फेलिडी, सबकी फैमिली सेम हो गई ना फेलिडी, तो यानी फैमिली लेवल पर सिमिलैरिटीज बढ़ गई, बट मॉर्फोलॉजिकली तो पता चल जाएगा भाई बिल्ली और शेर में कंफ्यूज तो नहीं होगा ना कौन बिल्ली है कौन शेर है फिर। चलिए अब हम बात करते हैं डॉग के बारे में, डॉग की फैमिली का नाम होता है बच्चों यहाँ पर देखो कैनिडी, तो इसकी फैमिली का नाम फेलिडी हो गया, इसकी फैमिली का नाम कैनिडी हो गया। कुत्ता बिल्ली एक दूसरे के जानी दुश्मन, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में, दोनों का ऑर्डर यहाँ पर सेम होता है, दैट इज द कार्निवोरा, ये हमारे पास क्या होता है कार्निवोरा।
तो ऑर्डर बेसिकली असेंबलेज ऑफ उस तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट ऑर्डर यहाँ पर देखते हैं दोनों का सेम है, यानी जो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो शो कर रहे हैं टैक्सोन लेवल पे, तो उनका ऑर्डर दोनों का सेम है बच्चों यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाता है। अब अगर बात करते हैं बच्चों हम, देखो यहाँ पर क्लास, तो तुम्हारी कौन सी क्लास है? 11th क्लास तो है, ठीक है। देखो जैसे हम लोग ह्यूमंस है, अगर मैं बात करता हूँ, देखो इनके ऑर्डर का नाम कार्निवोर है, ह्यूमंस के ऑर्डर का नाम होता है बच्चों प्रीमेटा। हम लोग क्या कहलाते हैं? प्राइमेट्स कहलाते हैं। प्राइमेट्स कौन होते हैं? हायर कैटेगरी ऑफ मैमल्स होते हैं ना, वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो लोअर कैटेगरी के मैमल्स होते हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस वगैरह जो होती है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको ऑयस्ट्रस साइकिल बोला जाता है, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती। जबकि ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। तो प्राइमेट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें ब्लीडिंग होती है, और नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो होती है वो ऑयस्ट्रस साइकिल होती है, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है बच्चों। तो ह्यूमंस के ऑर्डर का नाम है प्रीमेटा और इनके ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ क्लास, तो दोनों की क्लास क्या है बच्चों? दोनों की क्लास सेम है, मैमेलिया। 11th मत लिखिए आना अगर क्लास पूछे कौन सी क्लास है हमारी, तो मैमेलिया है। वी आर मैमल्स, गॉट इट? तो हमारी क्लास हो गई बच्चों यहाँ पर, इधर में मैमल्स। जब उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फाइलम के बारे में, डिवीजन के बारे में, तो एनिमल्स के रिस्पेक्ट्स में बच्चों फाइलम यूज किए जाते हैं। तो एनिमल्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटीहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एशेलमिंथस, इकिनोडर्माटा, प्रोटोकोडाटा, कोडाटा, हेमिकोडाटा, ये सब इनके फाइलम्स होते हैं। जबकि प्लांट्स के हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों? डिवीजन होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं। और देन किंगडम, मैंने बताया आपको पांच किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो इस बेसिस पे यहाँ पर इनको हम क्या कर देते हैं बच्चों? क्लासीफाई कर देते हैं। इस क्लास में आपका चैप्टर के बारे में इतनी ही बातें दे रखी है। आपसे पूछा जाता है टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में, टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में, टैक्सोन के बारे में हमने बताया। और लीनियस ने अपनी एक बुक पब्लिश कर दी बच्चों, सिस्टेमा नेचुरे, जिसके अंदर इन्होंने जो है यहाँ पर जिक्र किया था आइडेंटिफिकेशन का, नोमन क्लेचर का, क्लासिफिकेशन का, ये कुछ हमारे पास टर्म्स थी। बाकी टैक्सा है, टैक्सोनॉमी। एक और चीज़ पूछी जाती है बच्चों यहाँ पर, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? तो सिस्टमैटिक वर्ड जो है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक्स। बाकी जब क्लासिफिकेशन का, सॉरी नॉमन क्लेचर का जब जिक्र आता है, तो उसमें एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास। हमारे पास ICBN और ICZN के बारे में पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो बेसिकली ये पब्लिशिंग बुक्स है बच्चों, जहाँ पर नॉमन क्लेचर किया गया और उनको वहाँ पर कलेक्ट किया गया। तो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमन क्लेचर, जो प्लांट्स का नॉमन क्लेचर करती है। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर, जो एनिमल्स के नाम रखती है। 11th क्लास में बायोलॉजी में अकेडमिक लेवल पे हमारे पास इतना है। अदरवाइज कुछ और भी हमारे पास चीज़ें हैं जो नॉमन क्लेचर करती है, बैक्टीरिया का अलग है, और टैक्सोनॉमी और ICTV जो आपका वायरस का नॉमन क्लेचर अलग करते हैं। लेकिन यही सब हमारे पास नॉमन क्लेचर की चीज़ें हैं। बाकी इस चैप्टर से आपसे जो जनरली चीज़ें पूछी जाती है वो यही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ। एक क्वेश्चन आता था कि हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि कौन लिविंग है और कौन लिविंग नहीं है। चैप्टर का नाम है ना द लिविंग वर्ड, किस बेसिस पे हम लिविंग बोलेंगे। तो ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है इज़ नॉट ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो बता सके कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब ये टेबल है यहाँ पर, इसकी भी ग्रोथ हो सकती है। पानी डालते रहो फूल जाएगी, साइज बढ़ गया तो ग्रोथ हो गई, बट इट्स नॉन लिविंग। अब जो म्यूल होता है, म्यूल होता है खच्चर, आपने देखा होगा वैष्णो देवी पहाड़ों पर चलते हैं, पोनी बोलते हैं उनको, बोलते हैं, तो वो इनफर्टाइल होते हैं। लेकिन वो तो लिविंग है, वो रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं बच्चों। वो कैसे बनते हैं? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की जब मीटिंग होती है तो उसके कारण वो पोनी बनाए जाते हैं कमर्शियल लेवल पर बच्चों। अब इनफर्टाइल है लेकिन है तो ये लिविंग। तो कॉन्शियसनेस जो होती है, ठीक है, बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे पास कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो बेसिक क्वेश्चन से आप लोग गो थ्रू करेंगे। और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बच्चों मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू।